this is the fifth day, or you can say the last day in Jaipur. So we are going out now. हम आपको दिखाते रहेगा कहाँ कहाँ. मैं अभी फिलहाल जल्दीबाजी में हूँ, सो मैं आपको दिखाऊंगी बाद. ओके, बने रहिएगा. गाइस हम आ गए हैं जंतर मंतर में. गाइस देखिए मैंने एक्स्ट्रा होता है दीदी, और यहाँ बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ है. जंतर मंतर बहुत ही बोरिंग जगह है गाइस, फिर भी आप घूमना चाहो तो टिकट का प्राइसेस देख सकते हो. मेरा ओवरऑल जयपुर ट्रिप में जंतर मंतर मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट था. एक्चुअली फेवरेट ही नहीं बोलेगा, तो जंतर मंतर में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था. तो फिर वहाँ से हम सीधे निकल गए आमेर फोर्ट के लिए, जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था घूमने के लिए. एंड यहाँ पे जोधा अकबर का शूटिंग भी हुआ था मूवी का. तो गाइस यहाँ से ऊपर आप एलिफेंट राइड करके भी जा सकते हो, बट हमें एलिफेंट को देख के बहुत ही दया आ गया तो हम गाड़ी से ही चले गए. कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सका. तो यहाँ देखिए गाइस, जो पहले का राजा था वो यहाँ पे केसर का गार्डन करने का कोशिश किया था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पे नहीं हुआ. तो फिलहाल ये अभी राजाओं का पार्टी करने का जगह बन गया है. तो यहाँ पे रात में पार्टी होता है. एंड वहाँ ऊपर में जेगर फोर्ट है जहाँ हम पहले गए थे. दीवाने खास. वाओ. ये कहाँ से गुप्त सीक्रेट रास्ता है ये गाइस, देखिए जहाँ से राजा अपना रानियों को मिलने आता था. हाँ ना, नाटा था होगा, ज्यादा ऊंचा नहीं. नहीं नहीं, ये थोड़ा सीक्रेट डोर है. ओ, ये रानी को मिलने जाएगा, ऐसे ऐसे होता था होगा ना, बनमास है ना राजा. तो गाइस यही है वो जहाँ पे राजा मानसिंह जी रहा करते थे, ये उसका महल है. एंड अभी हम जो सीक्रेट डोर से आए हैं वो कोई क्वीन का डोर होगा. एक्चुअली उसका 12 वाइफ था, तो 12 क्वीन में से वो जिसका पास भी वो जा सकता था. हर एक क्वीन का एक एक सीक्रेट डोर होता था. तो ये नीचे में आप देख सकते हैं, ये पूरा क्वीन का रहने का जगह है. तो गाइस ये वही जगह है जहाँ जोधा अकबर मूवी में ऋतिक रोशन ऊपर से देख रहा होता है और नीचे में ऐश्वर्या राय तलवारबाजी कर रहा होता है. और ये कढ़ाई को देखिए आप गाइस, ये वही कढ़ाई है जहाँ पे जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय सबके लिए खाना बनाया था. सो गाइस हम अभी आमेर फोर्ट के निकल चुके हैं. एंड यहाँ पे थोड़ा सा मार्केटिंग है. ये चाचा जी बहुत अच्छा दाम लगा. और वो छोटे वाले. सो गाइस अभी हम जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट. इंडियन सिटीजन के लिए 52, स्टूडेंट 22.
वाह कितना सामने में है बंदर। तो यहाँ पे तो कुछ देखने लायक तो नहीं है, बस हम यहाँ पे सनसेट देखने आए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे, तो थोड़ा मोड़ा देखा एंड फिर हम निकल गए यहाँ। इतना भीड़ तो चले। आओ ये आए हैं हम जल महल। सब रेडी हो रहा है गाइस, ये देखिए हमारा मार्केटिंग, इतना ज्यादा सामान हो गया अभी, ये सब को लेके जाना है हमें। लिविंग बहुत दुखी के साथ जाते हुए अपना चावल सबने बहुत शॉपिंग कर लिया, सामान तक लेके जा नहीं पा रहे सब। ज्यादा ही सारा पत्थर भूख रहा है लग रहा है आपका। भयानक शॉपिंग करते हैं सब। आपको आपको कैसा फील हो रहा है दी बताइए। हलवा